आरिफी भाई इन्होंने मुझे बहुत चलाया जी आज पूरा जुबान फिर पंजाबी जी कहते चल चल के फावे हो गए। इन्होंने मुझे ये जैकेट लेके दी, कहते हैं कि ये नहीं पहनो। मैंने कहा यार कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी 40-50 हज़ार रुपये लगा दिए इनके ऊपर। माशाल्लाह आपकी जो कैब जो मुझे बड़ी पसंद आई, जिससे मैं स्काई ट्री पे ये रोड इससे मुतसिल रोड है, लेकिन कैसा खूबसूरत मंजर है, शाम का मंजर है। और इफ्तिखार भाई मेरे साथ हैं, इफी भाई का बस शिकायत हो गया हूँ, आज से मैं वीलॉग शुरू कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे भाई लगा देंगे, ये शुरू कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। वेरी नाइस। ये देखें मैं इनको सुबह से लेके फिर इतना खर्चा हो गया मेरा, मैंने कपड़े भी धुलवाए इनको, मैंने ट्रेन में घुमाया भी। कहते हैं मैं कार्ड घर बुलाया, मैं कहा कोई बात नहीं यार आ जाओ मेरे साथ। मैं आपको रास्ता नहीं बता रहा इधर से इधर जाना। मैंने एज गाइड जो है आज पाकिस्तानी को 1.5 लाख रुपये खर्च देना है, फिर अल्लाह मालिक है घर जाके कमा लेंगे। 1.5 लाख में भी महंगा तो नहीं है, नहीं सस्ते हैं। मैं मजाक कर रहा था, मैंने कोई पैसा नहीं खर्चा। ये ज़रूर हुआ है कि मुझे एलर्जी है, सांस का प्रॉब्लम है, तो ये खुशबू वाले कपड़े पहन आए थे, मैंने कहा चेंज कराएं, तो फिर इन्होंने क्योंकि दूर था घर जा नहीं सकते तो इन्होंने वहाँ से मार्केट से खरीदे हैं, लेकिन सस्ते हैं ये पाकिस्तानी को 3-1 हज़ार रुपये की है। और ये 500 रुपये की ये आप जो है ना वो गरीब है। अच्छा चलें जी, ये 1.5 लाख रुपये की है और ये 47 हज़ार रुपये की है ये टी शर्ट पहनी हुई अंदर, अब ठीक है। और यार फायदा की उन्हें देने ना किसे। अच्छी बाइक है, जबरदस्त किस्म की हैवी बाइक। वाह वाह। मारियो कार ये जनाब फिजान भाई के पास आए हैं, रास्ते में इन्होंने जनाब चाय बनाई है माशाल्लाह, हमारे साथ थे आज सारा दिन, तो जबरदस्त किस्म का इन्होंने एंजॉय करवाया। और